हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लास। आज अपन देखते हैं बेटा सीबीएसई बोर्ड का वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग आंसर। ओके, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, हर बार रिपीट होता है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपलसरी लॉन्ग आंसर में आता है। ओके, इस टॉपिक का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, देख लो बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल कितना, जीरो। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे। डी एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या करता, उधर भेज देता। तो टू एक्स डी वाई उधर जाने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साइन चेंज होने के बाद माइनस का क्या होता बेटा, प्लस। ठीक है, उधर जाने के बाद साइन विल बी चेंज, डिवाइड बाय 2xy। ठीक है, अब आपको रूल मालूम है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल क्या लिखना है, vx। y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x का 1 आता और यहां पे x इंटू क्या लिखता, dv अपॉन dx। ध्यान से देख लेना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे dy बाय dx, जहां पर भी आपको y है उसके जगह अपन क्या पुट कर देंगे, vx और 2x इंटू वी एक्स। ओके, तो एक्सपैंड करूंगा तो dy वाई बाई डी एक्स आंसर कितना बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू वी। तो dy वाई बाई डी एक्स कॉमन क्या निकलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं निकाला मैंने, एक्स स्क्वायर निकाला खाली, और नीचे कौन है, टू एक्स स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर गायब। ठीक है, बचेगा कितना बेटा, 2v। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक है, अब चलते बेटा आगे। अब आपको मालूम है बेटा यहां पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख लेता, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक है, अब एक काम करते बेटा, v को उधर भेज देते, v को अगर मैंने उधर भेज दिया तो x इंटू कितना, डी वी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन कितना, 2v। अब देखो बेटा यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर कितना, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स कितना आएगा, माइनस करूंगा तो माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। ठीक है, अब समझो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो उधर साइड में क्या हो जाता बेटा, माइनस वन बाहर माइनस बाहर निकलेगा, वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू वी। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे बेटा, टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, और माइनस वन बाय एक्स इंटू कितना, डी एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड की तो क्या आता, टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ओके, इंटू टी वी, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता है बेटा नीचे जब वन प्लस वी स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव अगर दूसरा कोई आता है तो उसको डायरेक्ट वन बाय टी लिख सकते हैं, क्योंकि वन प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी हो जाता है। तो इसको अपन डायरेक्टली वन बाय टी इंटू डी टी लिख लेता, माइनस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, वन बाय टी का इंटीग्रल लॉग टी, माइनस वन बाय एक्स बोले तो लॉग एक्स प्लस क्या लिख लेता, लॉग सी। ठीक है, तो log t के जगह क्या लिख लेता बेटा, v, कौन सा v, 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और log x, ये माइनस बी का फॉर्मूला बेटा, log c अपॉन क्या लिख लेता, x, log log कटेगा। और आपको पता है बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v बेटा, y अपॉन x इक्वल टू v। चलो थोड़ा सा बचा बेटा, हो गया y बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय x, क्रॉस किए तो कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स और एक्स कटेगा तो फाइनली आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल क्या लिख लेता, सी एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये जो है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड ले लो, स्टेट बोर्ड के लिए भी आ सकता, बट सीबीएसई बोर्ड के लिए तो 100% आ ही सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से कंप्लीट कर लेना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज थोड़ा सा कर लेना।